अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ सना अहमद, योर साइंस टीचर। क्लास, आपको याद होगा कल हमने जो है अपनी साइंस की कॉपी में काम किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है वो मंथ ऑफ जुलाई का टाइटल पेज बनाना है, और आपने जो है वो इन्वायरमेंट चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आवर सेंसेस हमने लास्ट में यूनिट किया था मंथ ऑफ जून का, उसमें हमने जो है मंथ ऑफ जून में लास्ट वर्क जो हमने किया था आवर सेंसेस का, वो थी एक एक्टिविटी जिसमें सेंस ऑर्गन्स ड्रॉ करने थे। 5 सेंस ऑर्गन्स हमने उसमें जो है वो उसमें 5 सेंस ऑर्गन्स जो है वो हमने ड्रॉ किए थे। उसके बाद हमने जो मैंने आपको कहा था कि आपने पेज टर्न करना है, आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा और एक ब्लैंक वाले पेज आएगा। ब्लैंक वाले पेज पे आपने मंथ ऑफ जुलाई का टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने इन्वायरमेंट चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, आपने कर लिया होगा। उसके बाद आप लोगों को करना ये था कि आप लोगों ने कंटेंट करना था। कंटेंट आप लोगों के पास सामने शो भी हो रहा है, आप लोगों ने ये किया भी होगा। आप लोगों ने जो है कल मैंने आपको काम करवाया था, ये हमने कल कंटेंट किया था। कंटेंट करने के बाद हमने टर्मिनोलॉजीज की थी, टर्मिनोलॉजीज हमारी थी 4। ये कल हमने टर्मिनोलॉजीज की थी, ये मैंने आपको कहा था कि आप 4 लाइन्स वाले पेज पे टर्मिनोलॉजीज करेंगे। नंबर 1 इन्वायरमेंट, नंबर 2 इसके रिड्यूस, नंबर 3 लिटर, नंबर 4 रिसाइकल। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि कल का हमारा जो काम था वो यहीं तक का था, उसके बाद हम लोगों ने आज काम स्टार्ट करना है। आज हम इसके बाद टर्मिनोलॉजीज के बाद करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। सो क्लास, आप लोगों ने अपनी साइंसी कॉपीज निकाल ली हैं, ओपन योर साइंस कॉपीज ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने साइंस कॉपी निकाल ली होंगी, आपको पता है कि ये साइंस का सब्जेक्ट टाइम है पढ़ने का, तो आप लोगों ने साइंस निकाल ली होगी। तो आपने साइंस की कॉपी में ये करना है कि कल आप लोगों ने टर्मिनोलॉजीज की थी, टर्मिनोलॉजीज करने के बाद आज हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, आज हम लोग 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो जो और क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। ओके क्लास, तो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सबसे पहले डेट एंड डे मेंशन करनी है। ये काम आप 4 लाइंस वाले पेज पे करेंगे। आप लोगों को पता है जिस तरीके से 1 क्लास में आप लोग काम करते थे साइंस, इसी तरीके से आपने इसमें भी करना है। आप लोगों ने 4 लाइंस वाले पेज पे जो है वो क्वेश्चन आंसर रेड लाइन के नीचे वाली लाइन पे आप ब्लू कलर से लिख सकते हैं, चाहे तो आप पेंसिल से लिखें, बाकी सारा काम आप पेंसिल से करेंगे। जस्ट इसकी मैं आपको चॉइस देती हूँ कि आप हेडिंग जो है क्वेश्चन आंसर की वो ब्लू कलर से डाल सकते हैं, इसके अलावा आप कोई काम भी ब्लू कलर से नहीं करेंगे, आप पेंसिल से करेंगे। ओके, तो क्लास सबसे पहले आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है। आज डेट है 14 जुलाई, और आज की डेट मेंशन डे मेंशन करना है आज का आपने। आज डे है ट्यूसडे, तो क्लास आप लोगों ने आज का डे लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, नेम सम एनिमल्स दैट बिलोंग टू आवर एनवायरनमेंट। हमें कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट से जो है वो बिलोंग करते हैं, जो कि मतलब हमारे जो है एनवायरनमेंट का जो है आपको इर्द गिर्द जो है वो नज़र आते हैं, वो कौन से हैं। आंसर में हम लोग लिखेंगे, आंसर है हमारा कैट, डॉग, गोट, काउ, और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वो हमें नज़र आते हैं। तो क्लास कल मैं दोबारा, जो अभी बच्चे इंटर हुए हैं मैं उन्हें दोबारा रिपीट करवा देती हूँ कि बेटा कल हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज की थी, टर्मिनोलॉजीज के बाद आज मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। अभी आप लोग के सामने शो भी हो रहा है, आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का मैंने आपको बताया कि नेम सम एनिमल्स दैट बिलोंग टू आवर एनवायरनमेंट। आपने कुछ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट से जो है बिलोंग करते हैं, जो आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं, आप लोगों ने उनके नेम लिखना है। तो हमने जो है वो कुछ 2-3 के नेम लिखे हैं ताकि आप लोग को याद, आप लोगों को भी पता चल सके कि हाँ यस यही वो एनिमल्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट से जो है बिलोंग करते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन अब हमने जो है वो कुछ के नेम यहाँ पर, उन्होंने क्योंकि हमें बोले थे सम एनिमल्स, मतलब कुछ एनिमल्स के नेम बताने थे, तो हमने जो है वो 3-4 नेम्स बता दिए। ओके, नंबर 1 है कैट, आंसर में आप लोग लिखेंगे कैट, कॉमा डालेंगे, उसके बाद डॉग, DOG डॉग,
कैट की स्पेलिंग है CAT कैट, उसके बाद DOG डॉग, फिर कॉमा डालेंगे आप लोग GOAT गोट, आपको पता है गोट किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं, फिर कॉमा डालेंगे और फिर COW काओ, काओ किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे जो है एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं और हमें जो है वो हर टाइम तकरीबन नज़र ही आते हैं, कि कभी हम लोग जो है वो अपने किसी के घरों में भी होते हैं। कैट्स तो तकरीबन सबके घरों में आ जा रही होती हैं और अब तो काओ सबको ही अपने गली मोहल्लों में हर किसी के घरों में भी अब हर किसी को नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अब तो और गोट भी बकरियां भी हर जगह नज़र आ रही होंगी, क्योंकि अब जो है वो इंशाल्लाह अगर कुछ ही दिनों में जो है ईद उल अज़हा आ रही है, तो फिर हम जो है वो ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो है आप लोग को ये जो जो दो एनिमल्स हैं ये भी आपको हर जगह नज़र आ रहे होंगे और आपको पता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट से जो है वो बिलोंग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर टू आपका है, डू ऑल प्लेसेस हैव सेम इन्वायरमेंट। ये कह रहे हैं क्या हर जगह का इन्वायरमेंट सेम होता है। मैंने आप लोग को जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे बुक की तब मैंने आपको बताया था ना कि नहीं, ऐसा नहीं है, नो ऑल प्लेसेस हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट, नहीं हर जगह का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था क्या क्लास का इन्वायरमेंट चेंज होता है, घर का इन्वायरमेंट चेंज होता है, इवन कि अगर आप जो है आप किसी और के घर जाएंगे तो उसका उनका जो है इन्वायरमेंट चेंज होगा। तो हर जगह का जो है इन्वायरमेंट चेंज होता है, चाहे वो क्लास का हो, स्कूल, कोई घर का हो, किसी भी जगह का हो। पार्क में आप लोग को हर जगह जो है वो ग्रीनरी नज़र आएगी, प्लांट्स नज़र आएंगे, ट्रीज नज़र आएंगे, फ्लावर्स नज़र आएंगे, और आप लोग को झूले वगैरह नज़र आएंगे, और घर में आप लोग और स्कूल में जो है आप लोग को हर जगह बुक्स और डेस्क टेबल इस तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी, और वहाँ का माहौल अलग होगा। वहाँ पर हमें ये करना होगा कि हमें पढ़ाई करनी है, तो हर जगह का जो है वो इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर टू करना है। क्वेश्चन नंबर वन करने के बाद क्लास आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जो है अगर आप लोग की एक लाइन में अगर नहीं आ रहा तो आपने नेक्स्ट लाइन को यूज़ करना है, बीच वाली लाइन में कोई काम नहीं करेंगे। फोर लाइन्स आप यूज़ करेंगे, फोर लाइन्स आप लोग की जो काम के लिए हैं आप उसको यूज़ करेंगे, बीच वाली लाइन जो आ रही होती है उसमें आप कोई काम नहीं करेंगे। आप लोग का एक कोई भी अगर एक क्वेश्चन है अगर वो एक लाइन पे नहीं आ रहा था तो टू लाइन्स पे करें, टू लाइन्स पे भी नहीं आ रहा तो थ्री लाइन्स पे कर लें, लेकिन बीच की लाइन में आप काम नहीं करेंगे, जो आपके फोर लाइन्स यूज होती हैं उन्हीं में आप काम करेंगे। ओके, तो आपने ये क्वेश्चन लिखा, उस चाहे एक वर्ड ही क्यों ना हो, जैसे कि इन्वायरमेंट है तो मैंने नीचे नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट किया, आप लोग भी इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे ही उसके जो है बीच वाली आप लोग की लाइन आ रही होती है उसमें नहीं लिखेंगे। ओके, इसके बाद आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु शेयर्स इन्वायरमेंट विद अस, हमारे साथ जो है इन्वायरमेंट कौन कौन शेयर करता है। प्लांट्स, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग शेयर इन्वायरमेंट विद अस। हमें तो पता है कि हम जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, हम जो है वो मतलब इंसान ही, ह्यूमंस हैं, हम तो इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं ही, हम तो मतलब बहुत अहम पार्ट हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन जो है वो हमारे साथ इन्वायरमेंट शेयर करता है। प्लांट्स हमारे साथ इन्वायरमेंट शेयर करते हैं, एनिमल्स हमारे साथ इन्वायरमेंट शेयर करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था एयर, वाटर, ये भी नॉन लिविंग थिंग है लेकिन ये भी जो है एक पार्ट है इन्वायरमेंट का। तो नॉन लिविंग थिंग्स शेयर इन्वायरमेंट विद अस। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ जो है इन्वायरमेंट शेयर करती हैं। तो क्लास आज के जो है हमारे यही थ्री क्वेश्चंस थे, आज हम लोगों ने जस्ट ये थ्री क्वेश्चन किए हैं। कल मैंने आप लोग को टर्मिनोलॉजीज करवाई थी, टर्मिनोलॉजीज के बाद आज मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। तो आप लोगों ने जहाँ टर्मिनोलॉजीज की थी उसके बाद आप लोगों ने पेज टर्न करना है, पेज टर्न करने के बाद आज की आप लोगों ने डेट एंड डे लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, आप लोग जल्दी से जो है वो डायरी भी देख लें एक नज़र, उसके बाद फिर मैं आप लोग को ये शो करवा दूंगी। आज की डायरी है हमारे पास, आप लोगों ने डायरी में मेंशन करना है, साइंस की डायरी है, लर्न टर्मिनोलॉजीज एंड क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम यूनिट इन्वायरमेंट, क्योंकि अवर सेंसेस का यूनिट तो हम साथ साथ याद करते आए थे, तो इसी तरीके से हम इन्वायरमेंट का यूनिट भी साथ साथ याद करेंगे, ताकि हम लोग जो है आसानी से सब कुछ याद कर सकें। जो आज हमने क्वेश्चन नंबर वन किया है वो, और टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने जो है वो याद करनी है, ये आज की आप लोगों की डायरी।